हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल सुनील ब्लॉग में, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको पूछना है। और ये हमारी बेबी हो गई है तैयार, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वैष्णवी आ रही है, सॉरी कू आ रही है, अंदर है, तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में चलेंगे हम स्कूल, और आज मंडे है तो आज से फिर स्कूल स्टार्ट हो गया है। और आज है 16-17 तारीख, तो 17 तारीख है ना आज, तो आज है 17 तारीख। और 30 अप्रैल, 30 अप्रैल नहीं, मतलब 28 अप्रैल तक लगेगा इनका स्कूल, और देखते हैं 10-12 दिन लगेगा, फिर उसके बाद छुट्टी पड़ जाएगी। कंप्यूटर की जगह मैंने चेंज कर दिया हूँ, अभी यहाँ रख दिया हूँ मैं कंप्यूटर, पहले यहाँ रखा था कूलर के ऊपर, तो यहाँ से चेंज करके मैंने अभी यहाँ रख दिया हूँ। देखते हैं यहाँ पे अगर नेटवर्क अच्छा मिलेगा तो यहीं रखे रहने देंगे, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। कंप्यूटर कहीं भी रखो, मेन मोबाइल से मैं नेट चलाता हूँ कंप्यूटर में कनेक्ट करके, तो बड़ा दिक्कत होता है। वाईफाई यहाँ लग नहीं रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया, बताऊँगा मैं रीज़न क्यों नहीं लग रहा वाईफाई। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, चले वैष्णवी अपन स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये पीहू हमारी तैयार हो गई है कप एंड बुलबुल के लिए, और ये बुलबुल की ड्रेस है। अभी बैचेस वगैरह कुछ नहीं मिले हैं, यहाँ पे कुछ साइड में लगता है, वो सब मैम से पूछ के लगवाएंगे। यहाँ कुछ लगता है, बेल्ट भी नहीं है, मैम आज बताएंगी, तो आज वो करेंगे। और कपड़ा पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेशेंट पहन के खड़ा हो, तो ये ड्रेस है कप एंड बुलबुल की। स्कार्फ रख लिए? स्कार्फ कहाँ है, बैग में? स्कार्फ रख लेना, बैग में रख लो बॉटल, अपन चलते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अभी पीहू को ले चलते हैं स्कूल। धूप तो अभी भी काफ़ी है, 4 बजने वाले हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है अभी भी। फ्रेंड्स चलते हैं, पहले मिलते हैं, फिर वहीं से सब्जी भाजी लेके और कटिंग देखते हैं, करवा लेते हैं। बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, टाइम मिलेगा तो कटिंग भी करवा लेंगे। चलो चले। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्कूल, और एक कप एंड बुलबुल में सेकेंड डे है, मतलब हर वीक के मंडे को लगता है, तो ये सेकेंड डे है, दूसरी बार आ रही है। हमने ड्रेस तो ले लिया था, लेकिन बैचेस वगैरह का कोई आइडिया नहीं है, तो मैम से अभी आज पूछ लेंगे कि कौन कौन से बैचेस लगने हैं, कहाँ लगने हैं, क्या क्या खरीदना पड़ेगा, और क्या स्कूल से मिलेगा, क्योंकि कई चीज़ मैम बोल रही थी कि स्कूल से भी हम देंगे, तो वो चीज़ क्या क्या देंगे उसके बाद हम मार्केट से ख़रीदेंगे। और देखिए, आज ज़्यादा लोग आए हैं, पिछले बार इतने सारे लोग नहीं आए थे, आज कुछ ज़्यादा लोग आए हैं। और देख लीजिए, पीहू आगे आगे जा रही है, सॉरी पीहू आगे आगे जा रही है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस है उसको आज, क्योंकि ड्रेस पहन के आई है। पिछले बार थोड़ा ड्रेस नहीं पहनी थी तो उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और देखिए, मेरे आगे आगे चली गई है, तो मैं उसको आज क्लास तक छोड़ के आऊँगा, क्योंकि अभी तो नई नई है, कुछ दिन में ऑटोमेटिक अपने से जाने लगेगी, लेकिन आज मैं इसको क्लास में छोड़ के आऊँगा और देखूँगा मैम आई हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले बार हम जल्दी आ गए थे और मैम आई नहीं थी, तो इस बार देखते हैं, क्योंकि इस बार भी हम वही टाइम पे आए हैं, करेक्ट 4 बजे, और अभी भी 4 बजने में 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो क्लास में चल के देखते हैं मैम है कि नहीं, और फिर उसके बाद छोड़ के इसको चलेंगे अपन बाल कटिंग कराने, और सब्जी वगैरह कुछ मार्केटिंग करनी है वो सब करेंगे। 1 घंटे का टाइम है, उसी में हमें सब कुछ करना है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं क्लास में है कि नहीं मैम। और ये सामने वाली क्लास जो है दिख रही है, वहीं पे इनको जाके बैठना पड़ता है, जितने भी कब एंड बुलबुल्स वाले हैं। और इसके बाद स्काउट गाइड का भी है, उसका कुछ आइडिया नहीं कब लगती है क्लास, लेकिन अभी तो ये कब एंड बुलबुल वाले ही सब बच्चे हैं। और ये अंदर मैम बैठी हैं, और फैन वगैरह लाइट वगैरह सब ऑफ है, पता नहीं क्यों, गर्मी में बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, और अपन चलेंगे अब बाहर। मैम तो बैठी हुई है अंदर, 2 मैम रहती हैं एक्चुअली, एक मैम है और एक मैम नहीं है, तो जो मैम है वो इनकी प्राइमरी प्रिंसिपल कहलाई, मतलब प्राइमरी सेक्शन जो स्कूल है उसकी प्रिंसिपल है, वही कप एंड बुलबुल की ट्रेनिंग वगैरह देती हैं, जो भी रहता है गेम्स वगैरह सब कुछ वही करती हैं। और एक और मैम है, लेकिन वो आज आई नहीं है शायद,
तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं, चली तो गई है अंदर और हम चलते हैं। ये देखिए और भी बच्चे हैं, ये छोटे छोटे सब आ रहे हैं। थर्ड क्लास से कब्स एंड बुलबुल स्टार्ट होता है और थर्ड क्लास से फोर्थ और फिफ्थ के बाद स्काउट गाइड स्टार्ट हो जाता है। तो ये अभी कब्स एंड बुलबुल वाले जितने भी बच्चे हैं वो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास वाले हैं। तो मेरी जो बच्ची है वो सेकेंड क्लास में है, धनिष्का कुहू जिसका नाम है, देखा होगा आपने पिछले वीडियो में। तो वो अभी सेकेंड क्लास में है तो उसको अभी नहीं दिलवा सकते। मैं सोच रहा था दोनों को हो जाता तो दोनों को साथ में ले जाते, लेकिन उसका इस साल नहीं हुआ है तो अभी अकेले ही आ रही है पीयू। ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे उसका, करा देंगे तो दोनों साथ में। दोनों साथ में फिर भी नहीं रहेंगे क्योंकि इसका फिफ्थ से स्काउट गाइड हो जाएगा तो उसका कुछ अलग रहता है टाइमिंग आने का। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चों के कारण, टाइमिंग मैच नहीं कर पाते हैं। सब बच्चों का अलग अलग रहता है, स्कूल का भी टाइमिंग मेरे को दो बार छोड़ने आना पड़ता है क्योंकि छोटी वाली जो बच्ची है उसका टाइम अलग है और ये बड़े बच्चे जो हैंगे तीन जो लेके आता हूँ उनका टाइमिंग अलग है। और वैसे भी टू व्हीलर में बच्चे चार बनेंगे नहीं, मेरे को दो दो बार आना पड़ता है। अभी फिर शाम को मेरे को इस लेके आना पड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अभी तो निकलते हैं बाहर। और ये देखिए ग्राउंड इतना बड़ा बना हुआ है, देख रहे होंगे आप। मैं एक्चुअली पॉकेट में रख के वीडियो बनाता हूँ इसलिए आपको ऐसा कुछ दिखता है, और मैं उतना ज़्यादा अभी ब्लॉग में एक्सपर्ट नहीं बना हूँ। तो जो भी है अभी आपके लिए प्रोवाइड कर पाता हूँ जितना भी। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कटिंग तो करा लिया है और दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये ऐसी कटिंग करवाया हूँ मैं, दिख रहा है आपको शायद उतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ये मैंने साइड के करवाया हूँ कट्स, छोटे छोटे ऊपर के हल्के बड़ा बाल रखा हूँ, बड़े बाल हैं ऊपर के, मैं मेनली छोटे बाल ही रखता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है, चलते हैं अब स्कूल। और फ्रेंड्स अब फाइनली देखिए पहुँच गए हैं हम स्कूल, क्योंकि टाइम हो गया है 5:30। अभी सब्जी वगैरह नहीं लिए हैं, कटिंग कराने में ही टाइम हो गया था। तो अभी यहाँ से पीहू को लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सब्जी वगैरह लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं और भी बच्चे आ गए हैं स्पोर्ट्स वाले, जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था वीडियो में, पिछले बार की वीडियो देख सकते हैं आप, जब कब एंड वेलवल्स के लिए फर्स्ट बार ले गया था। तब जब मैं लौट के आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, स्पोर्ट्स वाले बच्चे आ गए थे। वैसा ही कुछ नज़ारा अभी भी है। मेरे ख्याल से इनकी टाइमिंग 5 बजे करीब की रहती है स्पोर्ट्स वालों की, 5 बजे के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल खाली रहता है स्कूल, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। लेकिन अभी आप देखेंगे, मैं अंदर देख रहा हूँगा तो वहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब पेरेंट्स अभी बाहर खड़े हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। फ्रेंड्स ये एक पेड़ मुझे दिखा है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, यहाँ बेरी बेरी जैसे लगा हुआ है, ये फल जो लगा हुआ है इसमें, लेकिन बेर नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। मैं अब चलता हूँ अंदर, देखते हैं कहाँ है पीहू। और ये और भी बच्चे आ रहे हैं, पीहू को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है क्योंकि दिख नहीं रही है। वहाँ पे बैठती है, वहाँ देख लेता हूँ, वहाँ पे भी नहीं दिख रही है। यहाँ बैठती थी लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। फ्रेंड्स चलते हैं अब क्लास की तरफ ही, हो सकता है वहीं पे खड़ी हो, तो मैम ने बोला हो इसलिए रुक गई हो वहाँ पे। देखते हैं चल के आगे। ये देखिए फ्रेंड्स सब बच्चे स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और जो भी मैंने पिछले बार आपको बताया था जो भी यहाँ स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं वो शाम को ही आते हैं, और हर टाइप के स्पोर्ट्स यहाँ पे सिखाया जाता है इनको, वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट वगैरह सब। क्या क्या लेना मैम से पूछ लियो है? तो आ गई है पीहू, अब चलते हैं घर। और
1.5 घंटे के करीब क्लास रहता है, मतलब 4 to 5 बोलते हैं लेकिन 4 to 5:30 का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी रहती हैं, गेम्स वगैरह कराते हैं। तो ये ऊपर लगेगा टैग कि यहाँ लगेगा नीचे? ये यहाँ लगेगा, ये जो सिलाई है ना, इससे मैच करके लगा। वो लड़की जा रही ना, उसका वो उधर लगा हुआ है नीचे। नहीं, वो थोड़ा किसी ने ऊपर नीचे लगा लिया होगा, हम लोगों ने पहले नीचे लगा लिया था। अच्छा। फिर मैम ने कहा ये जो सिलाई है उससे मैच करेगा, यहाँ लगेगा ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं टैग का पूछ रहा था, मध्य प्रदेश का जो टैग रहता है बुलबुल्स की ड्रेस में, वो कई बच्चों का अलग अलग जगह लगा हुआ था, तो वही मैं क्लियर कर रहा था कि मेनली इसको लगाना कहाँ है। एक एक यहाँ पे मोनो लगेगा ना, यहाँ कहीं भी मोनो लगेगा ना, एक वॉइस का है, ये परफेक्ट लगा हुआ है ये। बैच मिला है? बैच भी मिला होगा। बैच पांच कोई ना? हाँ, 3 दिए हैं। बता देना मम्मा को, ठीक है? मैम से नंबर मांगी थी, बोली कि टुमारो। वो बैच यहाँ पे लगवाना, मध्य प्रदेश वाला जे, और जो एक मोनो मिला है वो यहाँ लेफ्ट में लगेगा। बॉटल ले लिए थे? बैग नहीं रखा था बाहर। गर्मी नहीं लग रही?